एकेडमिक अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करने के लिए वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान ने अपने 13th कॉन्वोकेशन के सेकेंड फेज का इनेकाद लाहौर में किया। इस मौके पर एक्स MDVU TV एंड फॉर्मर रेक्टर वर्चुअल यूनिवर्सिटी ताजदार आलम ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। 13th कॉन्वोकेशन के दौरान मुख्तलिफ शोबों के कुल 22,762 तलबा डिग्रियों के अहल हुए, जिनमें से 4,977 तलबा ने लाहौर कॉन्वोकेशन में शिरकत की। इस मौके पर पोजीशन होल्डर्स तलबा में 33 गोल्ड मेडल्स और 62 मेरिट सर्टिफिकेट्स भी तकसीम किए गए। रेक्टर वर्चुअल यूनिवर्सिटी ने तलबा तालिबात के हौसलों को मजीद बुलंद करते हुए कहा, आपको वर्चुअल एनवायरनमेंट के अंदर जो एजुकेशन मिल रही है वो आपके अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस पैदा कर रही है, और दूसरा जो एट्रीब्यूट विच इज़ रिक्वायर्ड बाई द टूडेज मॉडर्न वर्ल्ड इज द सेल्फ लर्निंग, आप खुद कितना सीख सकते हैं। एक्स MDVU TV एंड फॉर्मर रेक्टर वर्चुअल यूनिवर्सिटी ताजदार आलम ने हाजरीन महफिल से खिताब करते हुए कहा, तो मेरे तमाम स्टूडेंट्स से, फैकल्टी से सबसे गुजारिश ये है कि टेक्नोलॉजी को रिजिस्ट न करें। टेक्नोलॉजी रियलिटी बन गई है, AI आ गया, AI से आप खौफ खाएं। तरीका ये होता है कि रिजिस्ट करने की बजाय उसको ज्वाइन करें, और ज्वाइन करने के बाद उसमें अपनी जगह बना लें, क्योंकि AI ChatGPT ये सब स्टे हैं, करेंगे, अब ये जाने वाले नहीं हैं, बल्कि इससे ज़्यादा टेक्नोलॉजी आ जाएगी। तकरीब के इख्तिताम में तलबा तालिबात में गोल्ड मेडल्स और मेरिट सर्टिफिकेट्स तकसीम किए गए।